अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी आज हम आए हैं बीबी शहर बानो के मज़ार पे, जो वालिदा हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। अभी हम कुम से आ रहे हैं और ये तहरान में है, बीबी पाक का रोज़ा है पहाड़ी के ऊपर, कि अब हम ही जा रहे हैं। ये हमारे साथ हमारे सालार शहबाज भाई मौजूद हैं, तो ये आपको फजीलत बताएंगे बीबी पाक के रोज़े की, थोड़ा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। जी शहबाज भाई बताएं। ये हम बीबी शहर बानो के रोज़े पे हम मौजूद हैं इस वक्त। बीबी शहर बानो जनाब इमाम सज्जाद की वालदा है, वाके करबला के बाद बीबी शहर बानो वहाँ से ईरान का सफ़र इख्तियार किया। इनके साथ बहुत सारे अजीज़ व अकारिब भी थे और इनके सहाबा भी थे साथ में, तो इस जगह पर आके उन्होंने एक रिहाइश इख्तियार की थी और रास्ते में कई मलूनों ने उस काफले पे हमला किया, जिससे जो सहाबा और आपके गुलाम थे वो सारे शहीद हो गए और इस जगह पर बीबी ने अपना क़याम रखा, भी यहाँ पे मौजूद है। जी शहबाज भाई हमें बता रहे थे कि ये बीबी शहर बानो का इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की वालदा का मरकज मदफन इधर मौजूद है। ये जरी पाक भी अंदर उनकी है, तो अभी हम आपको सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे और जरी पाक की ज़ियारत करवाएंगे। ये देखें, ये पहाड़ों के दरमियान इतनी बुलंदी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बीबी पाक का रोज़ा जो है वो बना हुआ है। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं और बीबी पाक के रोज़े की आपको ज़ियारत करवा रही है इंशाल्लाह। ये देखें, ये हम इतनी बुलंदी पे आ चुके हैं, ये पहाड़ियाँ चढ़ के ये हमारा सारा काफला जो है वो हमारे साथ है, कुछ लोग आगे हैं। ये अब हम और ये काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मौजूद है, लेकिन अभी फिर भी हमारी बस जो है काफ़ी उसने आगे उतारा है हमें आके, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, सीढ़ियों के बिल्कुल करीब आकर उतारा है उसने हमें। ये देखें वो ऊपर मौजूद है जी बीबी पाक का रोज़ा, ये देखें ज़ूम करके दिखाते हैं, ये बीबी पाक का जहरी मुबारक है। अभी हम अंदर जाएंगे इसके, अब इन्होंने बंद कर दिया वरना ये पहले खुली होती थी ये गार, और फिर आगे एक जगह है जहाँ पे आप वहाँ पानी वगैरह इस्तेमाल होता था, गुसल करती थी। चावल खिला दूंगा, 5-10 मिनट पहले आ जाओगे तो बर्फ दे दूंगा। जी शहबाज भाई हमारे सलार हमें बता रहे थे कि ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये गार का दरवाज़ा है, जिसे अब ग्रिल लगा के क्लोज कर दिया हुआ है। यहाँ बीबी शहर बानो ने क्याम किया था और उनकी शहादत के बाद उनको ये पहाड़ी के ऊपर जो है वो दफन किया गया। अभी हम आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये जो मैंने आपको जूम करके दिखाया था ये बीबी पाक का आस्थाना है जी। अंदर जाने से पहले ये आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर पहाड़ों के ऊपर मौजूद है भाई जान। ये मौला सज्जाद की वालदा है। अभी हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको दिखाते हैं और सारे 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 सारे
फोन वगैरह अंदर रखते हैं। फोन बस बार भाई बस ये जी इधर फोन अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये अभी हम अंदर जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे। ये जी मकामे बीबी शहर बानो है जी, ये अंदर उनकी दरी पाक मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या जद्दा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अस्सलामु अलैका या साहिब असरस। اللهم صل على محمد وآل محمد فرج عليه محمد صلى على محمد ਲੋਕ ਮੇਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਕਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰ ਮੇਦਾ ਹਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰ ਦਾਦਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਗ ਮੇਦਾ ਇਬਰਤ ਦੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਦੇ ਇਬਰਤ ਦੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਤੁਮਾਤਮਦਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਮੇਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰ ਮੇਦਾ ਹਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰ ਦਾਦਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਮੇਦਾ ਹੋ ਜਿੰਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਵਨ ਆਖ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਸੇ ਵਰ ਉਜੜੀ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਵਨ ਆਖ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਸੇ ਵਰ ਉਜੜੀ ਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮਯਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਯਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਓ ਕਾਫਲ ਦੀ ਸਾਲਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਮੇਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰ ਮੇਦਾ ਹਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰ ਦਾਦਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਮੇਦਾ ਨਾ ਹੋਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਵੇਂਦੇ ਸੈਯਦ ਨਾ ਦੇ ਵਨ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਨੌ ਮੀਲ ਨਾ ਟੁਰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਸ ਗਈ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਦੇਹਦੇ ਵਨ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਰ ਥਿੰਦਾ ਨਾ ਰਤ ਰੋਂਦਾ ਬੀਮਾਰੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ।